सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरी और आज अपन पढ़ने वाले हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका अपना नाम होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये जो टॉपिक है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो या कोई भी टॉपिक हो, आपके सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सर मेनली अपन उसको पढ़ क्यों रहे हैं और अपनी बॉडी में करता क्यों है, करवाता क्या है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर इन चीजों को डायरेक्ट रटने लगोगे ना तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए मैं हर बार शुरुआती इसी क्वेश्चन से करता हूं कि बेटा यह होता क्या है और बॉडी में उसको मन करते क्यों है। सो मेनली मैं आपको बताऊं, पूरी कहानी पूरी सेल पे डिपेंड है। सेल को अल्टीमेटली चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं अपन बनाते हैं ग्लूकोज से। ना ग्लूकोज नहीं है, भिखारी भिखमंगी कंडीशन है, ग्लूकोज बॉडी में नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट जितने भी अपने सब्सटेंस रहते हैं, उनसे बॉडी फिर क्या करती है, ग्लूकोज बनाने लगती है। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे जेनेसिस का मतलब ही होता है बनाना, और ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। जब अपनी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज बनाने लगती है तो इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बात यहाँ पे आती है कि सर कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले अपना पाइरूवेट, उसके बाद अपने ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, मतलब वो अमीनो एसिड जो कि अपने ग्लूकोज दे सकते हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। फिर अपना ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट और अपना लैक्टेट, ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, सारे सब्सटेंस अपने नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपने ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं। और ये डायरेक्ट याद रखना पीजी लेवल में इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाता है, कौन कौन से सब्सटेंस अपने ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं, तब भी तुम ये याद कर लेना। अब मैं तुम्हें देखो कुछ चीज बोलना चाहता हूं। तो देखो यार, अगर तुमने मेरी दो वीडियो अगर नहीं देखी ना, सबसे पहले अपने ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी क्रैब्स साइकिल, अगर तुमने दो ये वीडियो नहीं देखी तो यार कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तुम पहले मेरी वो वीडियो देख लो, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि ना यहाँ पूरा खेल सीक्वेंस का है, सही सीक्वेंस में पढ़ोगे सारी चीज तुम्हें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले अगर तुमने ये दोनों वीडियो देख रखी है तो तुम्हें पूरा साइड में ये समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, ये अपना ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में अपन क्या करते थे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट अपन बनाते थे, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ग्लाइकोलाइसिस में अपन करते क्या है, अपन ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाते हैं। अब तुम बोलोगे सर अपन ये रिएक्शन को अपन रिवर्स में चला दो तो क्या होगा, पाइरूवेट से वापस ग्लूकोज बन जाएगा। तो बिल्कुल सही, अपन यही करने वाले हैं। बट यहाँ पे ना कुछ चीजें एक्सेप्शन है, मतलब जिसकी लास्ट वाली स्टेप जो है, जहां पे क्या होता था फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पाइरूवेट में चेंज होता था, इस स्टेप में ये वाली स्टेप जो है इररिवर्सिबल स्टेप है। मतलब इरिवर्सिबल से कहने का मतलब ये स्टेप ना रिवर्स नहीं हो सकती, सेम एंजाइम इस स्टेप को ना रिवर्स नहीं कर सकता। बट अपनी बॉडी ने क्या करा, यहाँ पे भी तोड़ निकाल लिया। अब तुम समझो तोड़ क्या निकाला, वो क्या करती है, यहाँ पे देखो इसको समझने के लिए एक साइकिल है जिसे हम बोलते हैं कोरी साइकिल, आपको वो समझना पड़ेगा। अपनी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले पाइरूवेट को चेंज करती है ऑक्सैलोएसीटेट में। ऑक्सैलोएसीटेट में कैसे चेंज करेगी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहाँ पे एक एटीपी इस्तेमाल हो जाती है और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसे हम बोलते हैं पाइरूवेट कार्बोऑक्सिलेज। पाइरूवेट कार्बोऑक्सिलेज के प्रेजेंस में पाइरूवेट चेंज हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट में, और फिर ऑक्सैलोएसीटेट को अपन चेंज कर देते हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। अब ये कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे अपना एक लगता है एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। याद रखना अपन पाइरूवेट को अगर अपन फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज करना है तो यहाँ पे अपनी दो एनर्जी के फॉर्म लगते हैं, एक एटीपी और एक जीटीपी। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बनाऊं, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपना पाइरूवेट है उसको पहले चेंज अपन कर रहे हैं ऑक्सैलो एसीटेट में, और फिर अपन ऑक्सैलो एसीटेट को अपन चेंज करते हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। यहाँ पे कैमरे में दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पाइरूवेट को पहले अपन करते हैं ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज, फिर ऑक्सैलो एसीटेट अपना चेंज होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज कर लिया अपन ने, अभी पूरी ग्लाइकोलाइसिस जो है ना रिवर्स होने लगती है, अपन उसको ना पीछे से रिवर्स करने लगते हैं कुछ इस प्रकार से। बट कहां तक होती है ये, अपनी रिवर्स होती है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज तक, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के बाद जब अपन बनाते हैं ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये वाली भी रिएक्शन जो है ना इरिवर्सिबल होती है। उसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लूकोज बनता है, ये वाली रिएक्शन भी ना इरिवर्सिबल होती है। यहाँ पे सेम एंजाइम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं कर पाता, यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ये एंजाइम अपने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो है चेंज कर देता है।
तो यहाँ पे अपन का ये एंजाइम होता है, तो इस एंजाइम के कारण अपन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपना चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फर्दर ग्लूकोज बनाने के लिए अपना एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। तो कुछ इस तरीके से अपन ना अपनी पूरी ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर लेते हैं और अपन पाइरूवेट से वापिस अपन बना लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो पूरी रिएक्शन यार मैंने तुम्हें समझा दी, और मेनली ना पूरी खेलना यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस पे ही खत्म होता है अपने पूरा खेल। मतलब मैं बताऊं ये वो ही एक घिसी पिटी प्रेम कहानी जो मैं हर बार बोलता हूँ, जो कि हर बार रात को दारू पीने के बाद आपका दोस्त ना ब्रेकअप की स्टोरी आपको सुनाता है। बस पूरा खेल ग्लाइकोलाइसिस पे ही है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाते हैं, पाइरूवेट से वापस ग्लूकोज बना लेते हैं। तीन यहाँ पे स्टेप जो थी इरिवर्सिबल थी, तो उसके लिए भी मैंने आपको तोड़ बता दिया, पहले कोरी साइकिल, दूसरे फिर फर्दर दो और एंजाइम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पाइरूवेट से मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि अमीनो एसिड से कैसे ग्लूकोज बनता है। तो देखो क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है एलेलिन। अब एलेलिन को अपन क्या करते हैं, अपन उसको भेज देते हैं लिवर में, देन लिवर में याद रखना ये जो है ये पूरा मसल है और ये अपना है लिवर। तो लिवर के अंदर अपन एलेलिन का करवाते हैं ट्रांसअमाइनेशन, मतलब ट्रांसअमाइनेशन करवाएंगे तो एलेलिन वापिस बन जाएगा पाइरूवेट में। और आपको तो पता ही है पाइरूवेट से अपन किस तरीके से अपन पूरा रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करके ग्लूकोज बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा जो अमीनो एसिड जो है एलेलिन, उसका जैसे अपन ट्रांसअमाइनेशन करवाएंगे तो वो आपको पाइरूवेट बन जाएगा, और पाइरूवेट से फिर अपन रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करवा लेंगे, बड़ा इजी है। सिमिलरली यहां पर रहता है लैक्टेट, तो लैक्टेट भी क्या करते हैं अपन लैक्टेट को भेजते हैं अपन लिवर में, लिवर में लैक्टेट को विद द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम, यहाँ पे अपन ना एक एनएडी भी बनता है, तो अपन लैक्टेट को चेंज करवाते हैं पाइरूवेट में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम, और यहाँ पे फिर से क्या हुआ पाइरूवेट बना। और आपको पता है पाइरूवेट से अपन फिर से रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस करके अपन बना लेंगे ग्लूकोज। तो कुछ इस प्रकार से अपन ने लैक्टेट से ग्लूकोज बनाना सीखा, पाइरूवेट से ग्लूकोज बनाना सीखा, अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाना सीखा। अब देखो यहाँ पे एक चीज रहती है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब देखो बेटा ग्लिसरॉल जो है उससे भी अपन ना ग्लूकोज बना सकते हैं। कैसे, पहले सबसे पहले ग्लिसरॉल का अपन चेंज करेंगे, ग्लिसरॉल थी फॉस्फेटेट में, ठीक है, मतलब फॉस्फेट में अपन चेंज कर लेंगे। ये अपन कैसे चेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज। तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम, और यहाँ पे अपनी एक एटीपी भी इस्तेमाल होती है। तो फिर फर्दर क्या होता है, ये जो अपना ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेटेट जो है इसको अपन चेंज करेंगे डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेटेट में। ये आपको पता होगा डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होता है, आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन, जब अपन फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को जब अपन अल्डोज एंजाइम के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो अपना यह बनता है ना एक डीएचएपी, मतलब कि डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, अपन ग्लिसरॉल को अपन बना रहे हैं डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब अपन ग्लिसरॉल को भी अपन ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन है उसके अंदर अपन ले आते हैं और फिर इसका अपन करवा लेते हैं रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। तो अल्टीमेटली ना आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए किस तरीके से हम ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बना रहे हैं, और सारी रिएक्शन कहां पर जुड़ती है, अपनी जुड़ती है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में। फिर यहाँ पे एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपियोनेट। अब आप बोलोगे सर प्रोपियोनेट से कैसे अपन बनाते हैं ग्लूकोज, तो सेम अपन क्या करते हैं प्रोपियोनेट को अपन चेंज कर देते हैं किसके अंदर, अपने ऑक्सलोएसीटेट में, और फिर वही ऑक्सलोएसीटेट फिर पाइरूवेट बनता है और पाइरूवेट से पूरा अपन बना लेते हैं ग्लूकोज। तो मैं ना उसकी भी रिएक्शन तुम्हें ना पूरी दिखा देता हूं। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए ना यहाँ पे पूरी स्लाइड चेंज करी है और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं तुम्हें किस तरीके से तुम प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए से तुम बना सकते हो ग्लूकोज। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए जो है उसको अपन चेंज करते हैं मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है ना, यहाँ पे अपना एक एटीपी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर जो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो है इसको अपन चेंज कर देते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। देन आपको पता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है क्रैब साइकिल के अंदर ही आता है, फिर अपन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को अपन चेंज कर देते हैं ऑक्सलोएसीटेट में, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऑक्सलोएसीटेट को अपन फिर चेंज कर देते हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में अल्टीमेटली अपन को यहां पे मिल जाता है ग्लूकोज।
तो बड़ी ही इजी रिएक्शन है यार, बस सारी चीजों का ना रट्टो मत समझो कि अल्टीमेटली सारी चीज कहां पे जाती है, ग्लाइकोलाइसिस में जाती है। देन अब मैं आपको इसका रेगुलेशन भी बता देता हूं। जो देखो वैसे क्या होता है ना, जो रेगुलेशन जो है अपना ग्लाइकोनियोजेनेसिस का, इसके ऊपर ना मैं फर्दर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं बता दूंगा ना तो ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि रेगुलेशन बहुत बड़ा है। बट मैं तुम्हें एक ना जनरल आइडिया दे देता हूं, बिकॉज ये ना एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को अपना क्या होता है ना, दो हार्मोन रेगुलेट करते हैं, एक अपना ग्लूकागॉन जो कि पैनक्रियाज का हार्मोन है, और एक अपना इंसुलिन और एक अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो याद रखना ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं। मेनली इसको रेगुलेट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, और अपने यहाँ पे एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसको थोड़ा मैं समझा भी देता हूं, आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करवा देता है। जाहिर सी बात है जब इंसुलिन बॉडी में नहीं होता, किसमें, डायबिटीज मलाइटिस में, मधुमेह में, तो क्या होता था, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता था अपने बॉडी में। सिमिलरली ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। अब तुम देखो पूरी रिएक्शन को तुम यहाँ पे समझो, अब क्या हो जाता है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जो ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, करता क्या है, ग्लूकागॉन अपनी बॉडी में साइक्लिक एएमपी को रिलीज करता है। सेल के अंदर ग्लूकागॉन जाएगा रिसेप्टर में, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा लेवल। देन साइक्लिक एएमपी क्या करता है, जो अपना पाइरुवेट जो होता था ना, पाइरुवेट काइनेज, मैंने आपको बताया था किसके अंदर बताया था, पाइरुवेट काइनेज मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन बताया था। तो पाइरुवेट काइनेज का जो एक्टिवेटेड फॉर्म जो होता है ना, साइक्लिक एएमपी, इसको इनएक्टिव बना देता है, जिसके कारण क्या होता है ना, अपन ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर पाते। अब जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा, और अपना ये जो है ना ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी जो है वो फर्दर अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। तो तुम अच्छी तरीके से याद कर लेना कि जो है ना ग्लूकागॉन कुछ इस तरीके से काम करता है, और फर्दर ग्लूकागॉन उन सारे एंजाइम को ना मैं और डिटेल में रेगुलेशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें और समझा दूंगा। तो होप सो यार मेरी वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। और यूनिवर्सिटी में तुम्हें कैसे लिखना है मैं वो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए ना तुम्हें चाहिए नोट्स, और मैंने तुम्हारे लिए एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। इस मॉड्यूल की खास बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी मॉड्यूल मैंने बनाई है कि मात्र 7 दिन में तुम पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दोगे। तो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो मजदूर की तरह मेहनत मत करो, तुम स्मार्ट हो चुके हो, स्मार्ट वर्क करो। मेरी मॉड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक है, वहां पर जाओ बाय करो, मात्र 399 की मेरी नोट्स है यार, मात्र तुम 400 रुपए में बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में पास हो जाओगे यार। तो ठीक है नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक बाय करो मॉड्यूल को, देन तुम्हारे पास नोट्स आ गए, फिर तुम्हें क्या करना है, वीडियो देखना और हाईलाइट करना है। तो एक अभी वैसे यूनिवर्सिटी में अगर आ जाता है तो पहले तुम लिखना डेफिनेशन कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, फिर तुम जितने भी फ्लो चार्ट थे सारे फ्लो चार्ट बना देना। अगर तुम यहाँ पे थ्योरी लिखने लगोगे ना, स्टेप्स वगैरह लिखोगे, तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, लॉन्ग में तुम्हें सारे फ्लो चार्ट बना देना। अंत में इसमें जो अपना रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना पाइरुवेट वाला, उसके पूरे स्टेप लिख देना, फिर इसका तुम लिख देना रेगुलेशन। तो कुछ इस हेडिंग में तुम्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। सो वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से मैं तुम्हारे लिए जो है वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।